kind attention, please. A very special announcement. Chinese General Mr. and Mrs. Zhang will be with us very shortly for the Indo-Chinese cultural event of glorious Gujarat. No, 我不上手。 Chinese General's sudden death at Ahmedabad yesterday early morning at the glorious Gujarat event. The investigation agencies are looking at multiple possibilities towards his death. Foreign Ministry ka pressure hai. Hame hamare best officers bhejne honge. G.S. Gupta aur A.L. Sharma ko main turant bhej raha hu. Hey. चलिए सर, चलिए सर। तो डॉक्टर वर्दी, पूछताछ शुरू करें। अच्छा ना? ये तो मैं हूं। अपने आप को तो पहचान सकता हूं। अपने पार्टनर को भी पहचाना होगा फिर रघु। आप दोनों जनरल जेंग के साथ क्या कर रहे हैं इस फोटो में? ओह आई एम सो सॉरी, चीनी लोगों के साथ फोटो लेना मना है क्या? प्लीज बी सीरियस, चाइनीज गवर्नमेंट का ये हाई प्रोफाइल केस है। अगर ये साबित हुआ कि चाइनीज जनरल का मर्डर इंडिया में हुआ है तो यूएन में इंडिया की बहुत बदनामी होगी। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। सो न्योन्या था क्या ये? तूने समाधि हसना वांग पतंग चकलिंगकुन खान वोमन चिताओ निशिशाओ। ये भाई सब टाइटल बोलना। ये टाइगर सूप है, इसमें टाइगर के बॉडी पार्ट्स मिलाए जाते कह रहे हैं।
मैन्युफैक्चरिंग मैं नहीं संभालता। ठीक है फिर, जो संभालता है उसी को बुला लेते हैं, उसी से पूछ लेते हैं कहां छुपा है रघु। आप लोगों का काम बहुत कड़क है, इतनी सब फाइलें पढ़नी पड़ती है, फिर उसके ऊपर से एक एक केस निकाल। चुप, साहब जो पूछेंगे सिर्फ वही बोलना है, ठीक है। रघु कहां है? नो आइडिया बेटा। बेटा मैं जो यहाँ रिश्तेदारी निभाने आया हूँ क्या? सीधे सीधे बताओ कहाँ छुपा है रघु, और ये जो तुम्हारा ये टाइगर सूप का बिजनेस कब से चल रहा है? रघु चाइना से आया तब से। और रघु चाइना क्यों गया था? सर उसका पूरा घर छान मारा पर कुछ नहीं मिला, पर हाँ उसके घर के पीछे शुतुरमुर्ग जैसा कोई पक्षी। इमू, इमू, इमू कहते हैं इसे। इमू? हाँ वो हमारे रघु भाई ना, वो बड़े वो है, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंटर एंटर द ड्रैगन? नहीं नहीं, वो बिजनेसमैन वाला। अरे शर्मा, एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ हाँ, वही वही रघु भाई वही है। इसके पहले रघु भाई 13 बिजनेस के आइडिया स्ट्राइक कर चुके थे। ये अंडे के धंधे में बहुत प्रॉफिट है, आज होटल में 5 का बिकता है अंडा। अरे लेकिन हम तो वही चीज कर दिया। अरे तो आपका रघु भाई हमेशा कहते थे कि बिजनेसमैन आइडिया बेचते हैं और एंटरप्रेनर आइडिया बनाते हैं। सारे आइडिया जबरदस्त, ये बात अलग है कि एक भी चला नहीं। स्क्वायर से तरबूज से सर, 100% ऑर्गेनिक, मैंने खुद जैपनीज तरीके से उगाया है, किसी भी फ्रिज में फिट हो सकता है, और वैलेंटाइन डे के लिए हार्ट शेप दिए। चाहे जितने भी आइडिया फ्लॉप हो गए हो, उनको यकीन रहता था कि अगला आइडिया जरूर हिट होगा। भी थोड़ी कच्ची है पर नहीं, होगा 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 होगा। बहुत पॉजिटिव है लाइफ में। रघु मर, मर जा, स्पाइडरमैन तू, यही तो बिजनेसमैन छे, मर। रुकमणी ले जाने, चल चिंटू। रघु से न मारे थे बिल भर दिया। अच्छा किया। कितनी बार बोला है वो एलईडी लगवाओ चाइनीज वाला, बिल कम आएगा। अगले महीने लगाऊ ना भाई। अरे तू कहाँ जा रहा है, बैठ ना भाई, दुकान के लिए लेट हो रहा है। अरे वहाँ कोई बात नहीं, रबड़ी कहाँ के जा। भाई रबड़ी दे रघु को। उन दिनों है ना हम लोग नेपाली चटाई का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन वो चटाई का बिजनेस एकदम घोंघे की तरह चल रहा था। घोंघा मतलब घोंघा घोंघा वो स्नेल स्नेल नेपाली चटाई चे बेस्ट चटाई इन वर्ल्ड। यू गो टू माउंटेन एवरेस्ट, यूज दिस चटाई, नो कोल्ड, नो नो टी, कॉफी, नो ग्रीन, ग्रीन टी, नो टी, नो नो बे ग्रीन टी, बहुत जल्दी जिंजर या हनी। No, no carpets. My dog pisses on it every day. No, no waterproof. Waterproof. No, I give you a good offer. Buy two, take two free. Two free. Not the food. रघु भाई के पिताजी उनको कह कह के थक गए कि घर के धंधे पे बैठ जा बैठ जा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और जब धंधे पे बैठे तब धंधा ही बैठ गया। अभी सुनते रहते हैं बैठे बैठे चोपड़ा जी को। सपना सेवपुरी नहीं होता है, उसे सस्ता मत समझो। लट्टू काका, जो अपने सपने को अपने ड्रीम को सस्ता समझते हैं वो भेड़ बन जाते हैं। मैं और भेड़ की चाल होती है आपके अंदर संभावनाओं का ज्वालामुखी है। आप धीरूभाई अंबानी बन सकते हैं, आप लक्ष्मी मित्तल बन सकते हैं, लेकिन ये भीड़ आपको क्यूबिकल्स में बैठाना चाहती है, फैमिली बिजनेस के फंडे में उलझाना चाहती है। इस भीड़ ने आपके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी है और आपको लगातार ये एहसास कराया जाता है कि आप कितने तुच्छ हो, एवरेज हो। आप ये दीवार तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए। देवराज मेरा पार्टनर नहीं है,
देवराज मेरा दोस्त है, दोस्त भी नहीं है, भाई है, भाई से बढ़कर है। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस देवराज, आप सबको भी। बिफोर साइनिंग ऑफ, फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम। ये जिंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है और जिसका एडमिन कौन है, ऊपर वाला। तो खुशियों को फॉरवर्ड करते रहिए, जिंदगी का डाटा अनलिमिटेड रहेगा। चीयर्स, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि। चोपड़ा साहेब की अमृत वाणी पछी मेहता परिवार की वह एक गर्भ रज्जु करशे, ओढ़ी ओढ़ू ओढ़ू ने उड़ी जाए अने रुक्मणी भाभी स्टेज ऊपर आवी जाए। तेरी बीवी है, घर जाके देख लेना। चल पप्पा बुला रहे। ए, आया हूं, आप पहली बाजू ले जा। क्या बीड़े भाई, जिंदगी नो उजागर हो जाए मजा आवे ना। जाके ए भाई, तूने नया घर देखा कि नहीं? नहीं कैसे आ गया खाना खाने? नहीं नहीं देखा। अच्छा है, अच्छा है। ए छगन, ये क्या है? ये केक। ए कोड़ा, ये तो मने दिखाई दे, लेकिन ये इंडा वाला है कि बगैर इंडे वाला है? नहीं सर, अपने तो देखे, हम हाटकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी है, ये इंडा वाला केक नहीं खाते। लेके जा, लेके जा, ये भी लेके जा। आज गल्ला कहां तक पहुंचा? 1200 के 20% कितने होते हैं? 240। अरे वाह, क्या बात है। और नया क्या चल रहा है? कुछ नए आइडियाज हैं दिमाग में तो। जा कहाँ रहे हो? चिंटू को देख के। अरे बैठ चिंटू, बैठ, वो कहीं नहीं जाएगा, बैठ। पापा ठीक है, कर रहा है। अरे क्या तंबूरा कर रहा है? ये नवरंगपुरा में तेरी नेपाली चटाई कोई कुत्ता खरीदने वाला है, हैं? ये 20-30 रुपये का मार्जिन कोई बिजनेस होता है? ये तेरी चिंटू की स्कूल फीस कैसे भरेगा? चिंटू की फीस मैं देख रहा हूँ। तू समझा नहीं इसे? देख ये भीड़े भाई अपनी दुकान में इंटरेस्टेड है। बोल कब करनी है डील? दुकान पर बर काट डाल, डील कब करनी है बोल? तो आप चाह रहे मैं पापा की दुकान बेच के घर पे बैठ जाऊ? नहीं, तेरे दिमाग में जो रोज रोज नए नए आइडियाज उठते हैं ना, उसकी नसबंदी करवा डाल। देख देवराज के साथ नए बिजनेस में ज्वाइन कर ले। 120 करोड़ की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कंपनी, अभी अपने घर की कंपनी में घर के भरोसे के लोग चाहिए कि नहीं? ए अगले हफ्ते चाइना जा रहा है, तू भी जा उसके साथ, अपना नसीब आजमा ले। चाइना में क्या करूंगा मोटापा, मैं दुकान कर रहा हूं। तू भी आ जा, तेरे को 2-4 इन्वेस्टर से मिलवा देता हूं, देख ले। ते भाई चाइना में? अरे तू चाइना से इतना डर मत, तेरे को कोई कवाकिसान या सीरिया नहीं भेज रहे, चाइना ही भेज रहे। चलो भिड़ भाई, डिजर्ट खावा। तुझे एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा मैं, सुपारी खाएगा? नहीं इसे चाइना भेज रहा हूँ मैं। पासपोर्ट है?
हाँ और क्या चाहिए? आओ मणि, मैं चाइना वाई ना कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हें हाँ बोलने की क्या जरूरत थी? हाँ पहले से मेरी फटी हुई, अब तुम मेरी शर्ट भी फाड़ दो। पर रुक्मणि चाइना तुम्हें पता कितना दूर है? दरवाजा। हाँ चाइना पता कितना दूर है? और मैंने तो सुना है वहां पे सांप खाते हैं, तो तुम भी खा लेना। तुम हर चीज में इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो पता नहीं? एटलीस्ट मैं ओवर रिएक्ट तो करती हूँ, तुम तो वो भी नहीं करते। कुछ मत करना तुम, मैं वापस अपने घर मुंबई चली जाती हूँ। ये हर 15 दिन में तुम मुंबई जाने की धमकी देना बंद करो। इमू के बच्चे जैम्बे की एजेंसी। अंडा, अंडा। हाँ वही इमू के अंडे, जैम्बे की एजेंसी, रोटी मेकर। मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे? हमेशा एनकरेज ही किया है ना रघु? रघु If you are not born with a silver spoon, we must try. तो try तो कर रहा हूँ मैं। रुक्मणी चाइना में क्या है? वह रस्ते कमाल सस्ते में मिलता है, कुछ नहीं रखा है वहाँ। चाइना में कुछ तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी ना रघु? ये मेरा टाइम खराब चल रहा है इसलिए तुम इतना सुना रही हो। तो पता है चोपड़ा जी ने क्या बोला है? टफ टाइम्स डोंट लास्ट, टफ पीपल डू। और सुबह होने के पहले अंधेरा तो होता ही है ना, ये अंधेरे वाला टाइम चल रहा है हमारा। हाँ एक काम करो रघु, जाकर मरवा लो अपनी। मणि मरवा लो, चिंटू सुनेगा। अच्छा अच्छा मैं कपड़े धो देता हूँ। कहाँ से सीखती हो ये सब पता नहीं। रुक्मणी चाइना तुम भी चलो ना मेरे साथ। तो दिखता भी कम है ना रघु ने ना बाद में। काका तो, ये जो जबान निकाल निकाल के बात करते हो ना, बात नहीं करते हो, सामने वाले का दिमाग चाट जाते हो। देखो क्या बचपन में रघु आ गया है। तुमने रिस्क किया? नहीं, उसने खुद ने सरेंडर किया है। काका का रघु आ गया। चाय अभी तो खुद चल के मेरे पास आया, इसलिए मैं शांत बैठा हूं। तो बता दे क्या मिला था? इसमें नॉर्मल सर, दूध, शक्कर, मलाई। चाइनीज टाइगर का लिंग? लिंग इटले पेनिस। पेनिस नहीं सर, चाइनीज टाइगर का लिंग दवाई में कोई क्यों मिलाएगा? एंड फॉर दैट मैटर किसी चीज का भी लिंग क्यों मिलाएगा सर? तो फिर चाइना तो चाउमीन खाने गया था? चाइना में गया नहीं था सर, वो जाना पड़ा था। पूरा बोल। चाइना खुशी से नहीं गया था, जाना पड़ा था। लेकिन रुक्मणी की दी हुई एक उम्मीद लेके गया था कि चाइना में ड्रैगन देव की कृपा से एक आधा बिजनेस आइडिया मुझे भी मिल जाएगा। If this deal falls through, then you have to be in charge. I will be CEO, as you promised. Yes, you will be CEO. यार रुक जा, मैं अंदर बुकिंग का देख के आता हूँ जरा। हो गया? अरे प्रॉब्लम है एक, यहाँ पे होटल में कमरे है नहीं, तो तेरा बुकिंग मैंने एक दूसरे होटल में कर दिया। अरे
यह भी पता चला आपको, अब अकेला कहाँ मैं रहूंगा? प्रॉब्लम है कुछ? नहीं। अच्छा होटल है, डांसिंग ड्रैगन नाम है। ये गली में जाएगा ना चार कदम, उधर ही है एक डायनासोर बना होगा छोटी आंखों वाला। खाने का ध्यान रखना, यहाँ पे नॉनवेज का बहुत चक्कर है। ये चिड़िया, कौवा, बदक सब पका के खाते हैं। फ्रूट भी नॉनवेज है इनके। हाँ, थेपला लाया हूँ मैं। हाँ बस स्टिक टू थेपला, थेपला इज गुड फॉर हेल्थ। जुली, शाम को 8 बजे तैयार रहना, बड़े इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। कभी 8 बजे डॉट। दिस इज माई ब्रदर रघु फ्रॉम इंडिया, दिस इज जूली। जूली 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 जू 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 जा बात। ये मिस पेपर्स, ये तेरे लिए पेपर तैयार किया है, रट्टा मार ले। ये इधर आसपास में आयुर्वेदिक शॉप पे जाके बोल देना। ये सब तो चाइनीज में लिखा है, इसका मतलब क्या है? मतलब जान के तेरे को क्या करना है, वो जिसको मतलब समझना होगा समझ लेगा। तू ये याद कर ले और बड़बड़ बड़बड़ बोल देना है? चल जाओ, अभी होटल में जाओ। बॉक्सेस इज डिलीवर्ड। चलो, व्हाट्स द स्टेटस ऑन जकूजी? नी हाओ, ओ श्री रघु मेहता, ओ याओ जीवन सूत्रा गच, सुई फुन हाओ डा, इंडो ट सुई हाओ दे चान पीन, इंडो ट सुई हाओ दे चान पीन। चोपड़ा जी हमेशा कहते हैं, संघर्ष को चुनौती मत समझो। नी हाओ, ओ श्री रघु मेहता, जीवन सूत्रा गजली। संघर्ष तो एक मौका है, संघर्ष से आप बहुत दूर तक जा सकते हैं और बिना संघर्ष के आप कामयाबी के नजदीक भी नहीं जा सकते। मैं तो संघर्ष को अवसर समझ के काम कर रहा था, फिर भी मेरी हालत जैम्बे के सेल्समैन से भी बुरी हो चुकी थी। Put 6 months of research into herbal products and we've come up with this. Ashwagandha. It's an Indian herb. America mein winter cherry aur London mein poison gooseberry bulate hain isko. Ye gore isko sports performance drug banakar bech rahe. Sells like hot cake. China mein sports energy drink ka market hai $350 million. Growth rate 25%. Hum Ashwagandha ko Indian herbal sports drink banakar bechte hain. Bahut scope hai. So without wasting any time, I present to you Jeevan Sutra's Ash Bull. Ash short of Ashwagandha and Bull for power. What do you say? This will not fly. It's lousy. इंडिया से यही बोलने के लिए बुलाया था क्या? दे भाई, आऊं कि जो करना है कर।
थेपला। तुम्हें गुजराती छो? मरे बने का सू बात करो छो। हेलो, अरे एक सू ले लो। हां गुड गुड। गुजराती को थेपला मिले मालो भगवान मिले, खास करके चाइना में। रघुवीर मेहता, नेपाल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, अहमदाबाद। लुक्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू। तोर भाई जो? अब कजन भाई। ओके, मैं चलता हूँ, कुछ काम होगा तो बता रहा हूँ। तुम्हारा कार्ड, what did you write in the presentation? What? Well, it was the shittiest presentation ever. What happened? My presentation was good. Forget about being a CEO. You don't even deserve to be a fucking peon in my company. Where are you? Where are you? Let's talk. No, we are done. Where are you? What about my money? What? What about pen? Hello? 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 तेरा बिजनेस ट्राई कर चुका अब तक, इतना कुछ बेचने की कोशिश की, कुछ बिकता ही नहीं। अरे अरे गाइस, मीट माय फ्रेंड रघुवीर मेहता, इज फ्रॉम इंडिया एंड इज अ बिग एंटरप्रेन्योर ओवर देयर। हियर समथिंग वेरी एक्साइटिंग टू शो यू, डेलिकेटली क्राफ्टेड व्हीट फ्लैट ब्रेड विथ एक्सोटिक स्पाइसेस एंड फेनुग्रीक। वाओ, इंडियन डेलिकेसी थेपला। थेपला, थेपला थोड़ा वाला। थैंक यू शेफ। नाइस, सो गुड, नाइस। तो रे भाई, अपने थेपले को कैसे कोहिनूर की तरह बेच डाला इन्हें। चीयर चीयर चीयर्स। तुम्हें भाई, थैंक यू। क्यों? वो मेरे अलावा आज तक किसी ने मुझे एंटरप्रेन्योर नहीं बुलाया, आज आपने बुलाया इसीलिए। यू नो समथिंग, आई रियली लाइक यू। और मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बनोगे। तुम्हें सिर्फ ये चाबी का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चाबी का कॉन्सेप्ट? लेट मी एक्सप्लेन। कस्टमर कौन है? कस्टमर इज द किंग। कस्टमर चूतिया है, है? कस्टमर चूतिया क्या है? अरे नहीं, ऐसे क्या? अरे रिपीट करना पड़ेगा, बोलो। कस्टमर, कस्टमर चूतिया है। चूतिया है? क्यों चूतिया है? क्यों चूतिया है? नहीं नहीं, ये रिपीट मत करो, ये मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्यों चूतिया है? व्हाई? क्यों? पता नहीं। क्योंकि कस्टमर भोला है, उसे खुद को नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, जो तुम्हें उसे बताना पड़ेगा। कैसे? गाना गाके। गाना? गाना गाके। कौन सा गाना? बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए, बोलो। त्रिमूर्ति सुभाष। बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए। बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए। ना 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 ना, झंझोड़ के बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए। बोल भोले बोल, तुझको क्या चाहिए। ओ गाना गा के क्या बताएगा? तो फिर कस्टमर बताएगा उसे क्या चाहिए। कस्टमर तो चूतिया है, सॉरी, घंटा बताएगा? वो नहीं बताएगा। कस्टमर सिर्फ दिखाता है अपनी नीड, अपनी जरूरत दिखाता है। कस्टमर की नीड क्या है? सस्ता माल, अच्छा माल। कस्टमर की नीड ताला है, लॉक है। लॉक? कस्टमर की नीड ताला है, और जिस दिन तुम्हें इस ताले की चाबी मिल गई, बन गए एंटरप्रेन्योर। चाबी क्या? क्या? आप ये थेपले रख लो। हे, एंजॉय।
One minute. 你哥在哪里？我敲这么久，你怎么开门呢？你哥，你哥在哪里？我跟你说，你英语没说。English, what happened? You, your brother, you all cheat me. He fucked me. Fuck? You two fuck me. What I did? You call Devraj. You call Devraj right now. Can I pick no me roaming. Up? No money. No money. No roaming. 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 Julie, madam, water. Thepla, thepla, you want? No, no, no cry, no cry. Water. Water, please. I sorry. Devraj, bad. I punish you. I sorry. No, 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 no. Are you okay? I'm okay, I'm okay. Just little pee. Sorry. You are Daru? Huh? You mean Daru? Suvache aap kuch are Hindi bolte ho? Daru? Daru? So be some down, so to why you do why? China ki phalguni paate. After two drink, I eat egg. 童子蛋, huh? Boiling virgin boy piss. Good for you. So good. Piss? Good, good for you. Good. Hey. Eat. Kya jagah hai, sab khate ho tum log, eh? Gobar mein chini mila ke to wo bhi kha loge dessert. Hey, apni wife se to mila hai nahi. Rukmani, इसकी वजह से तो चाइना आया हूं मैं. इसको जिंदगी में बहुत खुश रखना है. इसने बहुत सहाय मेरे लिए. I love her. Lucky. ए रुकमणी देख, ये पैसा में अंडा उबाल के खिलाते हैं. सिंग सिंग यू सिंग नहीं आओ. जुली बेन, तारे माटे गीत पेश करूं छु. परी हूँ मैं, टक 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 डे 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 टक टक टक, मुझे ना छूना, डे 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 डे. परी हूँ मैं, टक टक टक, परी हूँ मैं, टक 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 डे डे, परी हूँ मैं, टक 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 डे डे. आजा जुली बेन. आजा यू नो बेन इटले सिस्टर. मी सेसा सिस्टर. नो सेसा मी मी नो सिंग सिंगल टाइल. जुली बेन जुली मी अहिया सु मजा नहीं लाइफ छे. त्या खाली चट्टाई ने घर, घर ने चट्टाई. चट्टाई Raghu, serious. You do me a favor? Huh? Do me a favor? Huh? My ex-boss, very dangerous man. Boss? He named Hao Li. Hao Li? Mujhe kya pata Hao Li. Can you pretend Devraj? You meet Hao Li? You become Devraj, do business with Hao Li. 10 minutes, please. I can commission. Please. No problem. You Hao Li, no problem? मिल लेंगे जूली बेन. रुक कर देंगे. हम इज़ डाउन ला. दे हाउ अप 20 फ्लोर. यू Devraj. ओके ओके. Thank you.
Devraj. Welcome, you big businessman from India. Good to meet you. I have a business offer for you. Business? Look, China is one of the oldest cultures. Land of amazing people, amazing animals, and amazing secret magical medicines, centuries old. Dev, you know Tiger Roar? Tiger Roar. Dad. You understand? This is magical drops made out of our ancient Chinese medicine. Tiger penis soup. Very famous in China, selling like hotcakes, 10 times better than Viagra. What Indian people want? Good road? Sex! In the West, people think about money all the time. But in India and in China, people think about sex all the time. You sell this in India, we both become millionaires. I send you, you sell it. Okay? Keep this card with you. Sing ding de la. Sing ding de la. Yes, yes. Sing de la. Hila, hila. Bye, bye, bye. Yum, yum, yum. Sing ding de la. दुनिया में सबसे पावरफुल चीज क्या है? हमारा दिमाग, क्योंकि ये आइडियाज का गमला है. सारे शानदार आइडियाज यहीं पर उगते हैं. जंबो किंग से लेकर जंबो जेट तक, पान पराग से लेकर पैनासोनिक तक, सारे शानदार आइडियाज यहीं पर उगे हैं. हम इंडियन सेक्स के बारे में 24 घंटे सोचते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी बोलते नहीं, बात नहीं करते. हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ है और सेक्स उसकी सबसे बड़ी नीड है. तन्मय भाई ने कहा था कि कस्टमर की नीड ताला होती है. हाउली ने मुझे उस ताले की चाबी दिखा दी थी. क्या देख रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं. बहुत दिन हो गया, कर लेते. चलो. रुक्मिणी, मैं क्या कह रहा हूँ, तू मुझसे खुश तो है ना? हाँ, मैं खुश हूँ. नहीं नहीं, वो वाली खुशी नहीं. खुशी एटले संतोष. कौन, दूध वाला? अरे दूध वाला नहीं, संतोष. संतोष एटले सेटिस्फेक्शन. मुझे पता है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ. तुम सीधे सीधे बोलो, नहीं बोलना क्या चाहते हो? अच्छा बात बता, हम जब वो करते हैं. क्या झगड़ा? अरे झगड़ा नहीं, अरे जो रात को करते हैं कभी कभी दिन में भी. सेक्स? हाँ सेक्स. तो पूरी तरह से खुश हो जाती है ना, इतने से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है. डोंट वरी, मैं टॉप फ्लोर तक भी पहुंचती हूँ और वहां से व्यू भी एंजॉय करती हूँ. मतलब लिफ्ट बरोबर काम कर रही है? लिफ्ट और लिफ्ट मैन दोनों. बट गुड, मुझे अच्छा लगा कि तुमने पूछा. इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि जो हस्बैंड्स अपने वाइफ्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते होंगे, वो बेचारे क्या करते होंगे. ऐसे कितने सारे हस्बैंड हैं जो वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं. पुरुषों में पता है कितनी तरीके की बीमारी होती है. शीघ्र पतन, शीघ्र स्खलन, शिथिलता, स्वप्न दोष, बचपन की गलती, नपुंसकता, शुक्राणु की कमी, कम कामुकता, ढीलापन. लेकिन इन सब के लिए दवाई आती है.
खिलौने भी। तुम्हें बड़ा मालूम है इन सब चीजों के बारे में। अरे बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत पैसा है। तो होगा, हमें क्या, मार्केट में ऐसी बहुत सी गड़बड़ चीजें मिलती है। तुम अपनी चट्टाई की मार्केट की चिंता करो। चलो अभी सिगरेट पीते। हाँ चट्टाई है। मुझे हिंट मिल चुका था कि मेरी 21वीं सदी की बीवी का लिबरेटेड साइड बस हस्बैंड के साथ चुपचाप सिगरेट पीने तक ही सीमित था। वायग्रा, टेडेनाफिल, सेल्डेनाफिल, लेवर्टा, सीसियाफिल सबका मार्केट गरम है। आप कौन सा दवाई सप्लाई करोगे वो बताइए पहले। टाइगर सूप के बारे में सुना है क्या? अरे वो वाक के लिंक से जो बनता है। फोन रख। इतनी रात को मजाक सूझ रहा है? हैं? सस्ता नशा करके आया क्या? सॉरी सॉरी। एक बात तो पक्की थी, पुरुषों की समस्या जितनी बड़ी थी उससे बड़ी प्रॉब्लम थी उसका जेन्युइन सॉल्यूशन ढूंढना और उसे लोगों तक पहुंचाना। रमण काका बताओ ने ये बिजनेस को अप्रोच कैसे करना है? माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ, वर्ड इन माउथ, वर्ड ऑफ माउथ। क्या वर्ड ऑफ माउथ के लिए तुझे कोई हकीम या ज्योतिषी या कोई अच्छे डॉक्टर से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, भागीदारी। एक बात का ध्यान रखना तू, इस लाइन में भी बहुत आड़े टेढ़े लोग होते हैं। खबर पड़ी? रमन काका की बात तो एकदम सही थी, लेकिन इस फील्ड में सच्चा और अच्छा पार्टनर ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। बचपन की गलतियों के कारण थोड़ी परेशानी रहती है, पत्नी खुश नहीं रहती, कोई इलाज? झुनझुना बजाते हैं। झुनझुना 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 बजाना बंद कर दीजिए। दवाई? यही इलाज है। तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, फुल बॉडी चेकअप भी हो जाएगा, और हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। रेड लाइट ग्रीन लाइट। देखो अगर ग्रीन लाइट आती है तो दवाइयों से काम हो जाएगा, लेकिन अगर रेड लाइट आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ेगा। एंजियोप्लास्टी? एक्सरे? फ्रैक्चर नहीं हुआ है। प्रसाद रख लो, एक महीने तक वशीकरण और एक महीने तक मुट्ठी कार करवाना पड़ेगा। शारीरिक समस्या, कमजोरी, गृह कलेश, असंतोष सबका समाधान हो जाएगा। ये भस्म कटक जाना, फिर दो महीने बाद जो होगा उससे तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों चौंक जाओगे। क्या होगा? विषभ शक्ति सहस्त्र बाहु संभो। बड़े सॉलिड है ना बाबा, सब कड़क कर देंगे। रोटी, थेपला, ये सब आहार गोल हैं, त्रिकोण बना के खाओ। त्रिकोण समोसा तो मैं बचपन से खा रहा हूँ। हरी चटनी लेते हो, लाल चटनी के साथ खाओ, सारे गुप्त रोगों का निवारण हो जाएगा, आशीर्वाद बना रहेगा। दादा के सारे पेपर्स, आईटी रिटर्न अभी तक फाइल क्यों नहीं किए? पता नहीं क्या हो रहा है, दोबारा जाके देखता हूँ। जगदीश आप जाइए अंदर। तुम्हें तो इंसोम्निया है, रात को 7 घंटे से कम ही सोते होंगे ना? सोने के पहले बेवरो, बीड़ी, कभी कभी सिगरेट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई समस्या नहीं है, तुम्हें सेक्सोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इंसोम्निया है। पति गई हिस मफत,
एक मिनट, मैंने बोला तुमको प्रॉब्लम नहीं है और तुमने मान लिया है, इसका मतलब है कि तुमको मालूम है कि तुमको प्रॉब्लम नहीं है। तू आया क्यों यहाँ पे? मैं ना वो चेक करने आया था, आप भी दूसरे सेक्सोलॉजी जैसे फर्जी तो नहीं है? पास के फेल, सो माती सो। चल मेरे पास ना आपके लिए कमाल का ऑफर है, आप ना मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो। मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है ना जो सब गुप्तरों को का इलाज है। प्रोडक्ट मेरा, पेशेंट आपके, मुनाफा दोनों का। क्या बोलते हो? आप बकरी जो है प्रभा, मुझे गुस्सा आता है ना, ये मुझे थंडर रखती है। इट्स कॉल्ड एनिमल थेरापी। लेकिन इसको बहुत गुस्सा आता है, उसको गुस्सा आने से पहले तू छटकी जा। चल निकल। काका एक बात और पूछनी थी, ये जो न्यूज़पेपर में आपका कॉलम आता है, ये सब सवाल लोग सच में पूछते हैं कि आप मजे लिखने के लिए लिखते रहते हो? प्रभा आओ जो, आओ जो। ए जगदीश, डॉक्टर वर्दी की किताब से एक बात तो क्लियर थी, सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारा देश टोटल अंधेरे में है, और डॉक्टर वर्दी जैसे लोग ही टॉर्च लेके इस अंधेरे में रास्ता दिखा सकते हैं। अरे काका, तुम्हें आइए, गुड मॉर्निंग। आप रोज आते हैं? मैं तो रोज आता हूँ, तेरे को पहली बार देखा यहाँ। मैं तो वो उस तरह जॉगिंग करता हूँ ना, हर रोज जॉगिंग करता है। हाँ, 5 मील चप्पल पे, स्पोर्ट चप्पल पे। प्रभा प्रभा है ने पाँच सेकंड। चल 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 सेकंड चल, दूर है। सॉरी, मारो एक लात देने। क्या हुआ? पता नहीं सर, स्टार्ट नहीं हो रही है। ट्राई कर, शायद कार्बोरेटर में कचरा चला गया होगा। काका मैं आपको घर छोड़ दूं? मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आपकी बातें बहुत ही होने से जेन्युइन है। मैं पिछले 2 महीने में 25 डॉक्टर, 19 बाबा, 12 ज्योतिषी और 4 तांत्रिक को मिल चुका हूँ। सबके सब फर्जी है, खजुराहो घूमने जाएंगे, चुप चुप के कामा सूत्रा पढ़ेंगे, और जब प्रॉब्लम होगी तो किसी से बात भी नहीं करेंगे। आपने अपने 50 साल के करियर में जितना नहीं कमाया ना, उतना आपकी दुकान के बाहर बैठा वो पानी पूरी वाला कमा लेता है। पता क्यों? क्योंकि सारे परेशान पति आपके लाइन में बैठे रहते हैं, और उनकी पत्नियां बाहर टाइम पास के लिए पानी पूरी खाती रहती है। काका मैं आपकी कीमत समझता हूँ, कोई नूर है आप, अगर लोगों को, देश को, दुनिया की आपकी जरूरत है। काका आपको मुझे एक दूसरे की जरूरत है, आप मेरे साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप भी तो कमाएंगे ना। 3 महीने में ऐसी 2 और दुकान खुल जाएंगी आपकी। अच्छा 3? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर मनी एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। अब की बार आजू बाजू दिखना नहीं चाहिए। आई एम अ डॉक्टर, आई हैव टेकन द हिप्पोक्रेटिक ओथ, आई एम स्वोन बाय अपोलो द हीलर, बाय एस्केलिपस, बाय पैनेसिया, बाय हाइजिया, बाय सुश्रुता। ये सब भी सेक्सोलॉजिस्ट है। बिजनेस करना हलवा है क्या? इतना आसान है, बाएं हाथ का खेल है, इजी पीजी है। चलो वहां जाके बैठो। इतना आसान होता तो कोई चंगू मंगू कर लेता। आप कर लेते, आप कर लेते। क्या है ये? तुमने अकाउंट से सारे पैसे निकाल दिए? क्यों? ना कुछ धंधा जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्या रघु, चट्टाई का बिजनेस तो है ही अभी। अच्छा, इनकम कितनी हमारी? क्या कर रहे हो रघु? देव भैया सिर्फ स्कूल की फीस भरते हैं, पर बाकी के भी तो खर्चे हैं ना, कहाँ से लाऊं पैसे? चिंटू बाहर जाओ, मैं आता हूँ। कहीं नहीं जाएगा चिंटू, बैठ वही बैठ। वो थक गई हूँ मैं, रघु थक गई हूँ। अब और बार बार किसी से पैसे नहीं मांग सकती, आखिरी बार कह रही हूँ तुमसे। Your head, when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can think and not get thoughts, you're in. If
यू कैन मीट विद ट्रायंफ एंड डिजास्टर। ये किताब वापस करनी, क्या बकवास है ये? क्या हुआ सर? ये आदमी क्या बेकार आदमी है ये? कौन? ये त्रिभुवन वर्दी। जयराज लाइब्रेरी से। अरे साइलेंस है। चला धीरे बोलिए, लाइब्रेरी है। अरे तो मैं कौन सा चिल्ला रहा हूँ, मैं तो धीरे बात कर रहा हूँ ना। यू कैन ड्रीम नॉट मेक। पूरी दुनिया में पढ़ाई की, इतना ज्ञान हासिल किया, क्या किया उस ज्ञान का? क्या किया? वहां युगांडा में ज्ञान देते थे, वहां से भगा दिया। यहाँ पे ऐसे छोटी सी गली में दुकान खोल के बैठे हैं, 20-20 पेशेंट को डेली देखते हैं। 12 से 20 लाख लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है। आया जो एक आदमी फायदे की बात कर रहा है, पर जिद इतनी है कि बदलना ही नहीं। यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ, यू स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेम। ऐसे लोगों को ना यही प्रॉब्लम है, ये लोग सुनते नहीं है। टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। बुढ़ापे की वजह से नहीं, अपनी जिद की वजह से। और वॉच द थिंग्स। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है। इसी रिस्पेक्ट का क्या फाफड़ा बनाओगे? ये कैसा आदमी है जो जो अपने उसूलों पे नहीं चलता है? बट ये क्या लिखा है? बट नॉलेज इज द, जोर से बोल ले, नॉलेज इज द ओनली फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट डजंट गेट ओनर इफ यू सेल। हां सर, ज्ञान ऐसी जायदाद है जो बांटने से बढ़ती है, तो बांटना जरूरी है रे। देख भाई, मैं व्यापारी आदमी हूं, मोटिवेशन के लिए किताब लेके गया था, डिप्रेस हो गया हूं। ए, मेरी चट्टाई की दुकान है आश्रम रोड पे, आ जाना, 25% डिस्काउंट दूंगा। नहीं नहीं, अरे आ जाना, मैं सेल्फिश आदमी नहीं हूं, सबका भला सोचता हूं, जनसेवा। मेरा फोन नंबर काट दे। अबे ओए, अगर तू चाइना से कुछ नहीं लाया था तो सूप में डाल कर आता। दूध, मलाई, शक्कर। रघु बेटा, तेरा चाइना से पार्सल आया है, अंदर रखा है। हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक सीक्रेट होता है, ट्रेड सीक्रेट। ये सीक्रेट बंद मुट्ठी में लाख का होता है और खुली हथेली में खाक का। भाई, ऑटोप्सी की रिपोर्ट का क्या हुआ शर्मे? सर, जैन की बॉडी फुटबॉल बन चुकी है। क्यों? इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि जब तक ऑटोप्सी नहीं हो जाता तब तक बॉडी रिलीज नहीं करेंगे, और चाइना कह रही है कि पोस्टमार्टम चाइना में होगा। सारे रिपोर्ट चुके हुए हैं सर। इसका मतलब लगे रहना पड़ेगा। सर वो तुम्हारी सुबह से लगी हुई है। चलिए, मैं हाथ तो धो ले शर्मे। हाँ माँ की लाडली चल क्यों नहीं रही है? चल जा माँ की लाडली, चल जा। चाइना का शिकारी शंभू पकड़ में आ गया है। 63 टाइगर्स मारे हैं इसने, अक्रॉस 7 कंट्रीज, इंटरपोल में वांटेड है। सर मैं तो जिंदगी में एक बार मिला हूं उसे, मुझे तो पता भी नहीं करता क्या है ये। अच्छा, इसने तुझे कोरियर भेजा था चाइना से? ये तेरा एड्रेस है क्या? कोरियर? मैं कोरियर में गया था। ग्रीन टी। ये क्या केस है भैंचोत? हां ये क्या केस है? एक बकरी चराने वाला बुड्ढा, एक एमू के अंडा बेचने वाला लौंडा, एक 63 टाइगर को मारने वाले शिकारी से मिलते हैं और वहां से टाइगर का लिंग लाकर डाल देते हैं सूप में, और जिसे पीकर चाइना का जनरल मर जाता है। शर्मे, आयरनी की तो माँ बहन हुई पड़ी है। अरे सर, माँ बहन तो लोगों ने हमारी कर रखी है। एक चीज बता, ये अहमदाबाद में रह के तुम लोग कर कैसे लेते हो? शर्मे, ये व्यापारी लोग हैं,
ये दुनिया के किसी भी कोने में कांड करके यहाँ आ जाते हैं। बस हम ही लोग हैं जो जिंदगी भर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में रहते हैं, पेपर और पेन की ऐसी तैसी करते रहते हैं। कांड तो अब मैं करूंगा। सर, मैं देख मैं रखू साफ साफ बता दे, मैं तेरे डॉक्टर को थर्ड डिग्री दूंगा। मैं भी सर, काका को तो हवली के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन्हें तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैं उन्हें जो नहीं बताया वो हमें बता दे प्लीज। 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट है और पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। डिसऑर्गेनाइज्ड? हाँ, डिसऑर्गेनाइज्ड काका। इतनी बड़ी मार्केट है पर पूरी वर्जिन है, पर हमारा सुख उसकी वर्जिनिटी तोड़ेगा। देख रघु, वो सब तो ठीक है लेकिन अवेयरनेस के बारे में क्या? काका इज्जत तो अवेयरनेस से आएगी ना। हाँ, आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैंने सोच लिया है। हाँ, सब सेट छे बेइज्जत। हाँ। काका क्या लगता है मेरी दवाई काम करेगी? तेरे प्लान में दम तो है लेकिन एक बात है कि तेरी ये दवा 70-80% काम करेगी। 100% काम करेगी उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। सर भी आपके अलावा ना तो इसे कोई समझेगा और ना ही कोई प्रिस्क्राइब करेगा। काका मैं समझता हूँ थोड़ा सही नहीं है पर एक लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दवा के अंदर क्या है और क्या नहीं, काम होना चाहिए बस। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? करप्शन। काम के टाइम पे सेक्स के बारे में सोचते हैं और सेक्स के टाइम पे काम के बारे में सोचते हैं। इसकी वजह से काम भी बगड़ जाता है और शाम भी बगड़ जाता है। आप फनी हो काका। काका बात पक्की समझो। ए प्रभा, वो पार्टनरशिप करने आया क्या? तेरी हाथ मांगने आया है? काका बोलो ने। अवेयरनेस का प्रोमिस। पाकू पाकू। अवेयरनेस और बिजनेस का गठबंधन हो चुका था, दोनों को इस सूप में अपना नफा मुनाफा दिख रहा था। पर रघु, नेपाली चटाई का बिजनेस करते करते चाइनीज पंखे, ये आइडिया कहाँ से आया? दिमाग के गमले से रुक्मिणी। तुम मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? रुक्मिणी तूने ना 10 साल बहुत सा है, थैंक्स, पर अभी ना अपना टाइम एकदम बदलने वाला है रुक्मिणी। अभी चीन, जापान, पूरी दुनिया रघु के फैन की फैन होगी, पूरी दुनिया। छाती तान के जंग के लिए निकल पड़ा था, सिपाही भी मुझे खुद बनाने थे और उन्हें जंग के लिए तैयार भी करना था। नट्टू काका मेरे और मेरे पप्पा के सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉई, ये खुद जितना स्लो थे उनका गणित उतना ही तेज था। गांधो देखो जे, विठल भाई को पता चल गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा काका। अब बताओ इनू के नहीं? टट्टारवट्टी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग। तुम्हारी मानसम काका इन 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 थैंक यू काका। जगदीश। रूपा डॉक्टर वर्दी की रिसेप्शनिस्ट, स्मार्ट एजुकेटेड रूपाली रूपा। जब से उसका डाइवोर्स हुआ है तब से अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर काका के साथ काम करती थी। इसके अलावा वो पार्ट टाइम मॉडल भी थी और वीकेंड पे IELTS के कोचिंग क्लासेस भी चलाती थी। कितनी सैलरी चाहिए? सैलरी नहीं, पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप कितनी? 25। 5। 24। 6। चलो बेटा तेरी ना मेरी 12। 12। मुझे अब जाके पता चला था कि बड़ी बड़ी कंपनीज लेडीज को CEO क्यों बनाती है। रवि नट्टू काका का इकलौता बेटा, इसने लाइफ में फोटोकॉपी निकालना और फेसबुक पे मेमे बनाने के अलावा कुछ नहीं किया था, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया होता वो लाइफ में कभी कभी बहुत कुछ कर जाता है, ऐसा नट्टू काका का विश्वास था। डॉक्टर वर्दी की जगह है? पुराना हॉस्पिटल था लेकिन अभी कोई यूज नहीं करता। बड़ा हॉन्टेड जैसा फील आ रहा है। वो करो छो नट्टू काका। जगदीश नहीं, इसका कुछ ऐसा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये बस बाय वन गेट वन के ऑफर में डॉक्टर काका के साथ फ्री में आया था। एप्पल से लेके अमेज़न तक और HP से लेके हार्ली डेविडसन तक
सब स्टार्टअप कबाड़ खाने से शुरू हुए थे और डॉक्टर काका के ऑफिस का फर्स्ट फ्लोर हमारा कबाड़ खाना बनने वाला था। भैया सॉरी। हाँ तो काका के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है वो 80% तक काम करेगा, पर बाकी के जो 20% लोग हैं जिनके लिए वर्क नहीं किया तो वो तो अपना नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे ना। ईगो, मर्द का ईगो बहुत बड़ा होता है, फुटबॉल की तरह। अगर काम नहीं भी करेगा ना तो कभी भी बोलेंगे नहीं, एडमिट नहीं करेंगे। हाँ बेटा, कोई मर्द ये कबूल नहीं करेगा कि वो शयन कक्ष में सिकंदर साबित नहीं हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे सही जगह थी धानी मासी का घर। तो नेहा, आज हम बनाएंगे पनीर मखनी। वो तो सभी को पसंद होता है, बच्चों को, बड़ों को। जैसे जी, मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। अच्छा, वैसे आपके पति करते क्या है रश्मि जी? जी, मेरे पति मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्हें खड़े रहकर बहुत से काम करने पड़ते हैं, इसलिए घर पे आके बहुत थक जाते हैं और ऐसी कोई डिश खा के वो मूड में आ जाते हैं। सारे खड़े मसालों को हिलाते रहना, तभी तो तेल छूटेगा ना। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मगर आप टेस्ट करिए। क्या डिश बनाई है रश्मि जी। नेक्स्ट स्टेप होगा पैकेजिंग। अगर पैकेजिंग कड़क है ना तो च्यवनप्राश को भी चांदी के भाव में बेच सकते हैं। रवि, तू पैकेजिंग संभालेगा। ब्रूसली, सलमान खान, ले टाइगर्स को फिक्स कर दो, एकदम जबरदस्त लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। पिक्चर थोड़ी बना रहे हैं हम, सिर्फ ये मैजिक सूप लिख और चाइनीज में कुछ लिख। अच्छा सा चाइनीज में क्या लिखने? जो सीले मर्दों के लिए। जबरदस्त, हाँ एकदम। रघु, रघु, ये क्या है? ये क्या है? अरे हाँ, वो कल से पेट थोड़ा खराब है ना, तो विठल काका ने चूर्ण दिया। अभी ठीक हो? हाँ, बस थोड़े पाद आ रहे हैं, बाकी। रघु, बस पांच ही? ये सिंपल प्रोडक्ट है ना, अभी अगर पूरी मार्केट में प्रोडक्ट को फैलाना है और उतनी क्वांटिटी में बनाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए, फंडिंग। पैसों में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मिला के तकरीबन 3.5 लाख रुपए चाहिए। फंडिंग। भरत भाई, पूरी मार्केट में सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, स्पेशली चाइना से लेके आया हूँ, और आपसे बस 7 लाख की फंडिंग चाहिए, वो भी ब्याज समेत वापस करेंगे हम। गौमूत्र से बना फिनाइल का आइडिया बेचना आया था ना, तू ही था ना? वो तो बहुत पहले की बात है सौरभ भाई, वो तो मैंने काम किया ही नहीं, उसके बाद आपने मना किया तो। यू नो वॉट, योर आइडिया इज बुलशिट। अच्छा, 3.5 लाख। हाँ रघु भाई, रमन काका ने आपके बारे में मुझे सब बताया, क्या स्कीम लाए बोलो। आपके ऑफिस में बैठ के बात करें या भैंसों के बीच में क्या बात करेंगे? भैंसे थोड़ी CNN में जाके आपका बिजनेस प्लान लीक कर देगी है। सही बात। कितने पैसे चाहिए? 7 लाख चाहिए, 4% 2 महीने के लिए। चार टका पकड़, 12% के नीचे तो पैसे में मेरे बाप को भी ना दूं, पप्पा डैडी। चल निकल, बात कर। आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ। ओ, मेरे पास ना एक दवाई है। ऐसे कुछ मर्द होते हैं जिनमें थोड़ी कमजोरी होती है, जैसे अंदर से तो ऐसे बहुत जोर से फटना चाहते हैं, जब फटने का टाइम आता तो एकदम फूस, और जब फूस नहीं भी होते उनके लिए भी ये बेस्ट दवाई है, पूरे गुजरात में, गुजरात क्या, इंडिया में आग लगा देगी। इससे पहले ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं आया है, एक बार विश्वास करके देखो। इधर आ।
परसों तक फंडिंग मिल जाएगा। थैंक यू। पानी में मिला। अहमदाबाद में 80 लाख लोग हैं और पूरे गुजरात में 6.5 करोड़। इस 6.5 करोड़ में लाखों अनसेटिस्फाइड कपल होंगे, उसमें से अगर हम 5% के पास भी अपना प्रोडक्ट पहुंचा दें तो हमारी सेल लाखों में पहुंच जाएगी। रूपा, तुम जितने भी लोकल क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, IVF हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सबसे पेशेंट की लिस्ट निकालो। हाय, माय नेम इज रूपा, इज दिस जुबली हॉस्पिटल? डोंट मेक योर बेड टाइम स्टोरीज बैड टाइम स्टोरीज। मतलब पता है? हाँ। बताओ। ऐसे कैसे हो? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। जिम, रेस्टोरेंट, होटल, शॉपिंग मॉल, कोई भी पार्किंग एरिया छूटना नहीं चाहिए, और स्पेशली जो स्कूल के बाहर मम्मियाँ खड़ी होती हैं, उन सब तक हमारा सूप पहुँचा। डोंट मेक योर बेड टाइम स्टोरीज बैड टाइम स्टोरी। कुछ समझ में आया? मैं यहाँ आया तेरे पहले। मैं आया इसीलिए तू आया, बिकॉज ऑफ गुड टाइम, समझियो। चल होशियारी नंबर निकल। 150 क्लिनिक्स तो 800 पेशेंट्स का डेटा मिला है। एक काम करो, इन सब को ईमेल भेजो। ओके। और फोन पे भी मैसेज भेजो डायरेक्ट, ठीक है? या शादी के पहले हम छुप छुप के बात किया करते थे। क्या वही डिंग डोंग? और अब? अब शादी हो गई है तो उन्हें डिंग डोंग करने का मन नहीं करता। होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ सलूशन है? उनको ये सूप पिला दो और गाना गाते जाओ। वो जो मेरा है ना छोटा भाई, वो PVC की पाइप होती है ना, उसकी जो 3x4 की साइज होती है ना, उतना ही है। और उसे बाहुबली बनना है डॉक्टर। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम होना चाहिए बस। अगर तुमको बाहुबली बनना है ना तो स्ट्रेस नाम का कटप्पा से दूर रहो। ये लगाने का है कि खाने का? पहला खाने का फिर लगाने का। बेटा वो बिगड़ जाएगा बेटा। हैं? दादा रघु आ ही गयो। ए रघु पहला यहां है। अरे आओ 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 चटाई के आओ आओ आओ। इतनी देर तक क्या काम करते हो? मोटा पापा आजकल बहुत काम करते हैं, रात रात भर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया है? चाइनीज पंखों का। चाइनीज पंखे? चाइनीज पंखा। क्या इंपोर्ट करता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट? अच्छा, कहाँ से लाता है? वो नेपाल में ना चट्टाई वाले, तो उन्हीं को बोल के मंगाता हूँ, फिर आगे डायरेक्ट भेजता हूँ। कहाँ आगे भेजता है? चाइनीज पंखे तो चाइना ही भेजूंगा। कहाँ? चाइना में कहाँ? वो गुंजाओ, मकाओ, फुजान, शेंजेन, पटाया। बढ़िया, वाह। कौन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है तेरा गुंजाओ में? हाउली। हाउली है? ये कौन सी कंपनी? टाइगर एक्सपोर्टर। कितना टन माल बेचता है? 3-4 टन। 3-4 टन पंखे? चाइना बहुत बड़ा है ना। लगता है अगली सुनामी तेरे पंखों से ही आएगी। प्रोडक्ट इतना कड़क है काका, सुनामी की तो गारंटी है। ए भाई, तेरा ये टाइगर एक्सपोर्टर तो सी फूड कंपनी है। सी फूड कंपनी? ये तो दूसरी कंपनी है। वो मेरी कंपनी नहीं है तो वेबसाइट बनी नहीं अभी। अच्छा, क्या टर्नओवर क्या है? मार्जिन? अरे आप लोग भी हर वक्त सिर्फ बिजनेस। मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ सबके लिए। हाँ, आइसक्रीम खाते काका। ए चटाई के कर कर, तू ये भी ट्राई कर और पंखा किंग बन जा। देख, ये छोटे छोटे चंपू जैसे बिजनेस होते हैं ना, उसमें लोग मिलोनर बने। मिलोनर
मिल ओनर, मतलब करोड़पति। ये अपना भीड़े का भतीजा है ना, वो पैंट की चेन बेच बेच के मिल ओनर बना। ऐसी मजबूत चेन बनाता है ना, पैंट उतर जाए पर चेन नहीं उतरती है। हाँ हाँ कल मिलता हूँ ना, टेंशन नहीं। हाँ कॉफी पीते ना, एक मिनट बाद ही फोन करता हूँ। रघु भाई नो प्रोग्रेस, मेरे को लगता है ना सारे मर्द सुपरमैन हो गए, किसी को जरूरत ही नहीं है इसका भी। मजाक चल रहा है? मजाक नहीं रघु भाई, वो सॉरी रघु भाई, मेरे मत। आपको क्या लगा आप खास हैं? लाखों में एक, अगर है भी तो आप जैसे हिंदुस्तान में 12-13 हजार लोग होंगे। और सामान्य बात है, COMMON कॉमन, कॉमन है आप लोग। टेंशन ना ले, नया बिजनेस सेटअप होने में टाइम लगता है। दीदी को बताया बिजनेस के बारे में? अभी नहीं बताया, पर बता देने का। नहीं बता दूंगा, अभी थोड़े दिन बाद बताऊंगा, अभी एकदम शोक में आ जाएगी। तू डरता है बीवी? नहीं मैं डरता नहीं हूँ काका, सही समय आने पे बता दूंगा। तन्मय भाई, रघु, चाइना थेपला वो अहमदाबाद वालों। कैसा लगा आपको आइडिया, ये प्रोडक्ट बिकेगा? मुझे क्यों पूछ रहा है? कहीं आपको इतने बड़े बड़े बिजनेस का एक्सपीरियंस है इसीलिए। कौन कहता है बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो इस बात के अंडकोश लगते हैं। इस बात के अंडकोश? बॉल्स ऑफ स्टील। स्टील हाँ, टन। अब ये देखो, हमारी बॉडी में 75% पानी है, पृथ्वी पे 71% है, और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है, और दुनिया के कुछ चूतिये उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। पर ये आइडिया कैसे तुम? अच्छा, तेरा आइडिया रायता है, फैलेगा। थैंक यू तन्मय भाई। गलत चीज बेच रहा है। मतलब सूप तेरा प्रोडक्ट है, सूप को ही बेच रहा है। पर कस्टमर को तो प्रोडक्ट ही चाहिए ना। कस्टमर को घंटा पता है। कस्टमर तो कस्टमर तो क्या है? जिसे बेचना है उसे थोड़ी बेचते हैं। तो सूप तेरी कहानी है, वर्दी तेरा हीरो है। कहानी को नहीं, हीरो को बेच। हीरो हो कस्टमर का दिमाग गन्ने के खेत के जैसा होता है, जिसमें हजारों गन्ने होते हैं और एक एक गन्ना एक एक प्रोडक्ट होता है। दिमाग पूरा प्रोडक्ट से भरा हुआ है। लेकिन ब्रांड, ब्रांड क्या है? क्या है ब्रांड? एक सांड है। सांड? सांड है। और ये सांड गन्ने के खेत में घुसता है और बाकी गन्नों को चीरता हुआ निकल जाता है और अपनी जगह खुद बनाता है। तो वर्दी को ब्रांड बना। 70 साल का रॉक स्टार सेक्सोलॉजिस्ट, ब्लॉकबस्टर ब्रांड यू है, उसको बेच। वो बिकेगा तो फंडिंग मैं लाके दूंगा। थैंक यू तन्मय भाई। ब्रांड लोगों को पसंद होता है, मतलब प्राइवेटली बात करने, पब्लिक बात करने में कोई हिम्मत नहीं करता। 4-6 जन से ज्यादा आएंगे।
मैं बोलता हूं सर, नेगेटिव क्यों हो रहे हो? मैं बाहर जाके देखता हूं सर, वो आए कि नहीं आए। आई विल कॉल यू बैक। तो का शांति रखो ना। हां हां सर, हां ओके। डॉक्टर साहब? यस। अरे वाह, सेमिनार के लिए? हां, थैंक गॉड सर आप आ गए। आइए आइए सर, प्लीज आइए। इस साल हमारी प्राइमरी स्कूल ने स्पेशली पेरेंट्स के लिए ये टॉक अरेंज किया है। आपके बच्चों के मेंटल हेल्थ या स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप डायरेक्टली डॉक्टर मुरुगांग से पूछ सकते हैं। गूगल पे सब है। काका गलत जगह पर जा रहे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट का सेमिनार दूसरी जगह पर है। अरे काका भी ना। आम आदमी सिर्फ दो तरीके से फेमस होता है, सही जगह पर गलत चीज बोल के या गलत जगह पे सही चीज बोल के। हाँ, डॉक्टर साहब हमारे बीच आ चुके हैं। ही इज एन एक्सपर्ट। हाँ नमस्ते जी, मैं बहुत खुश हूँ, ताज्जुब भी हूँ कि मैं समझा के 6-7 लोग होंगे लेकिन उसकी जगह पे हाउसफुल है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। चलो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, पहला सवाल पूछ ही लेते। बोलो जी, आओ जेंटलमैन, गिव अ बिग हैंड। चलो सर, मेरा बच्चा जो है वो मूड में नहीं रहता है, उसको किसी चीज में एक्साइटमेंट नहीं रहता है। मैं उसको खेलने को बोलता हूँ तो वो खेलता भी नहीं है, तो क्या उसे डिप्रेशन हो सकता है? क्या बोले? मेरा बच्चा। चलो ठीक है, इस चीज को हम बच्चा बुला लेते फॉर नाउ, ठीक है? और आप बोलते कि आपका बच्चा मूड में नहीं है। देखो मूड में लाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे को खेल कूद करने को इनकरेज करना चाहिए। खेलेगा नहीं कूदेगा नहीं तो एक्साइटमेंट कहां से आएगा? फुटबॉलर क्रिकेटर लोग गेम के पहले वार्म अप करते हैं ना, तो ही परफॉर्म कर पाएंगे ना गेम में। इट इज कॉल्ड फॉर प्ले, समझा? फॉर प्ले। फॉर प्ले बिफोर प्ले देन स्टडी, बिफोर प्ले। सर मेरा बच्चा आधा काम करके थक जाता है, इसका कोई सोल्यूशन है? हमारे इंडिया में क्या है ना, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, काम का स्ट्रेस, बॉस का स्ट्रेस, बहुत सारे। और वो स्ट्रेस जब घर पे लेके आएंगे तो आधे में ही थक जाएगा ना आदमी। तो स्ट्रेस फ्री रहना बहुत जरूरी है, और अगर स्ट्रेस फ्री रहेंगे देन ओनली ही कैन रीच ऑर्गेज्म। ऑर्गेनिज्म बोला होगा सर, ऑर्गेनिज्म। सर एग्जाम का स्ट्रेस कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो इंटरकोर्स इज नॉट एन एग्जाम। वो एग्जाम कैसे हो गया? कोर्स नहीं बोला, इंटरकोर्स ही बोला। क्या आपके हस्बैंड को आप मार्क्स देते हैं क्या? 7/10, 8/10। एक बात बोलूं, अगर आप ये एग्जाम बोलना बंद कर देंगे ना तो ही पप्पू पास हो जाएगा। सर ये डॉक्टर वर्दी है जो न्यूज़पेपर में सेक्स कॉलम लिखते हैं। देयर सीम टू बी अ स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखो ना हाथ ऊपर है, कितने लोगों का हाथ ऊपर है। तुम्हें दादा ने भेज जाओ बस। चलो जाने भाई, इनकी तबीयत खराब हो गई। हां बहन। सर वो बल्ब जल जाता है लेकिन आग नहीं लगती। मेटाफोर में सवाल पूछा, चलो ठीक है मैं भी मेटाफोर में ही जवाब देता हूं। ये पुरुष जो होता है वो एक माचिस की तरह होता है, बुझ जाता है। और स्त्री जो होती है वो स्त्री की तरह होती है, वार्म अप होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इस बाबत में पुरुष को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए। अगर वो पेशेंट रहा तो फिर देखिए प्यार का बल्ब कैसे जलता है। डॉक्टर आपको नहीं लगता कि ये सब बातें ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए? कौन बोलू तो कहां होनी चाहिए, यही तो फोरम है। हम लोग स्कूल में साइंस क्लास में मेंढक का एनाटॉमी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिखा सकते हैं, लेकिन इंसान का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों भाई? ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है। ये माइक बंद कर दिया, देखा? इसका मतलब नहीं कि मैं बंद हो जाऊंगा।
ये बात होनी चाहिए, बाप बेटे के बीच में होनी चाहिए, माँ बेटी के बीच में होनी चाहिए, मियाँ बीवी के बीच में होनी चाहिए, दोस्तों के बीच में होनी चाहिए। ओपनली बात करो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। दिस इज नॉर्मल। काका रोकिंग, Doctor, I've heard so much about your brilliance. Read in the newspapers, you write brilliantly your articles. Thank you, Ray. One carton soup, please. Jagdish! इस बार एनी वैसे क्या चाहिए? जो तुम्हें अच्छा लगे दे देना। सरप्राइज। ठीक। हमने धंधा जमाने के लिए जितनी खामोशी से काम शुरू किया था, आज कामयाबी हमारे दरवाजे पे उतने ही जोर से शोर मचा रही थी। अरबी इंटरनेशनल हमारे सूप की नई प्रीमियम पैकेजिंग। गुड जॉब रवि। अरे माय प्लेजर। ये बहुत अच्छा। और ये दोनों मायरा कायरा, वो तन्मय भाई ने भेजा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। वो कौन क्या वो यूनिवर्सिटी क्या? बर्कले। उसी में। अब सबसे जरूरी था नया फुल प्रूफ डिलीवरी सिस्टम जो हमारे सूप को जल्द से जल्द घर घर तक पहुंचा सके। अभी भी ऐसे कितने सारे लोग हैं बाहर जिन्हें हमारा सूप मंगाने में शर्म आती है। उन लोगों के लिए नंबर है 56289। इस नंबर पे मैजिक टाइप करके भेजो और फिर आप जा कहो वहां हम सूप की डिलीवरी करें। क्या है मेरा इस नंबर को काका के सारे सोशल पे फैलाओ, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, सब जगह। सर मैं इस तरह स्कूटर में बैठे बैठे डिलीवरी करता रहा ना, मुझे पाइल्स हो जाएगी। करोड़ो भाई, ये आपके तबेले में कितने छोकरे काम करते होंगे? एक दारू की बोतल पे 500 रुपए का मार्जिन मिलता है और हमारे सूप की हर डिलीवरी पे 700 रुपए का मार्जिन मिलेगा। और जितनी भी नाखुश बीवियां हैं उनको जो खुशी मिलेगी उसकी दुआएं अलग। क्या बोलता है रवि? हाँ, अने बिना पुलिस के डर के हो तो आज से से नो टू दारू और से यस टू सूप। डिलीवरी सिस्टम फुल प्रूफ हो गया था। दारू वाले और दूध वाले सेम चीज बेच रहे थे, हमारा मैजिक सूप। दूसरी तरफ किट्टी पार्टी से लेके महिला मंडल तक डॉक्टर काका अवेयरनेस फैला रहे थे। सेक्स एजुकेशन डज नॉट मीन दैट वी एजुकेट पीपल ओनली इन द सेक्स एक्ट। इट इज अबाउट एनाटॉमी, इट इज अबाउट प्यूबर्टी, इट इज अबाउट मैच्योरिटी, इट इज अबाउट हाइजीन। इस देश को एक नहीं हजार डॉक्टर वर्दी की जरूरत थी और मुझे सूप के जरिए डॉक्टर वर्दी को घर घर तक पहुंचाना था। सपना जो मैंने और डॉक्टर काका ने साथ में देखा था। वी ओपन सेक्स क्लिनिक इन द इंडिया। जमुना थे भाई संभालने लगा।
काका थैंक्स। रोज दारू पीला रह रहा है, थैंक्स बोलता है। दारू के लिए नहीं, तन्मय का फोन आया था। फंडिंग मिल जाएगी। रोक के दिया काका। देखिए ध्यान से इन चेहरों को, इनकी मिलियन डॉलर स्माइल्स को। याद रखिए, ये बिजनेस नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और आपको स्कूबा डाइविंग करके जाना है। लोग खाली कहां कहां से उठ के आए थे, दिमाग में गोबर भरा हुआ सबके। और चुप रहा, आज अचानक क्या बुला लिया? आज सब ठीक है भैया? मैं पूरी दुनिया को बिजनेस सिखाता हूँ, मेरा पार्टनर चूतिया निकला। कमाल, आप लोग निकलिए, माथुर साहब निकलिए, निकलिए, बाद में मिलेंगे। क्या हो गया, कौन सा पार्टनर चूतिया निकला? तेरी गल कर रहा मैं चूतिया? चोपड़ा वो दफा वो चाइना की पार्टी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली थी। दैट डील इज ऑफ। आई नो, रिलैक्स। मैं रिलैक्स था, मैं शांत था, फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी कि फंड जा कहां रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा तो कहीं तो जा रहा है ना। तो मैंने पता लगाया अहमदाबाद की एक कंपनी है आरवी इंटरनेशनल, वो ये बेचते हैं। यू नो व्हाट शिट इज दिस? आई नो, मैजिक सूप। सुना है इसके बारे में? सुना है तो फिर क्या किया? अरे ये इलीगल प्रोडक्ट है, कल एफडीए में फोन करूंगा, परसों बैन हो जाएगा। देवराज तू बहुत ही वड्डा पहुंचा हुआ बंदा निकला, कमाल है। ये तो केमिस्ट शॉप पे बिकती है ना, काउंटर पर, तू बैन करवा देगा हा? जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अंडरग्राउंड मार्केट में बिक रहा उसे कैसे बैन करवाएगा चूतिया? दो साल से घिसवा रहा था इस डील के लिए मैं, तुझे चाइना भेजा था, निकल गई नाक के नीचे से। अभी क्या करूं? What do you want me to do? तू सुसाइड कर ले। क्या? तू पता लगा पार्टी के बारे में, कौन है कौन नहीं, सुसाइड कर ले, मैं खरीद लूंगा। कैसे खरीद लोगे? उसको ऑलरेडी फंडिंग मिली हुई है। वो तेरी हेडेक नहीं है, तू तो सुसाइड करने वाला है ना। मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, तुम डंडे होके फोन करो मुझे। अबे चोपड़ा ऊपर पीटी दिखाता है, रुक और दरवाजा बंद करो, रुक। ये औकात है इसकी, पजामा पहनना नहीं आता था उसको, मैंने सूट बूट सिखाया उसको। अब कॉफी कैपेचिनो मंगाओ। और तू क्यों खड़ा है? आया बदबू क्यों आ गई तेरे अंदर से? हट, परफ्यूम नहीं लगाते? ऑटोमेटिक है। गजब। भाभी को ये सब देख के शौक में हार्ट अटैक तो नहीं आएगा ना? एनिवर्सरी पे पहली बार कुछ दे रहा हूँ, पहले देख लोग देखता हूँ। लोग देखता हूँ। फोटो लेना भी। कपड़ा ले। जल्दी करो। बस। इधर आ। जय जिनेंद्र। देवराज। डॉक्टर बोल रही। रुकमणी रेडी रेडी, शुरू करिए। अच्छा सुनो ना, तुमने वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बारे में सुना है? पेंट का सेट कार्ड? वो एक्चुअली ना एक नया प्रोडक्ट आया है, मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा कि बहुत इफेक्टिव है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ट्राई करो। तू तो बोल रही थी टॉप फ्लोर पे पहुंच जाती है, क्या जरूरत है? अरे ये ना टॉप से भी टॉप फ्लोर पर पहुंचाता है। मैजिक सू। आओ 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 आओ।
हेलो हाँ किधर है? घर में। अरे अपने सक्सेस पार्टी में तू खुद नहीं आएगा तो कैसे मजा आएगा? अभी सब वेट कर रहे हैं तेरा। आ रहा ना कि मैं हूँ? हाँ आओ चो, आओ चो। सब ठीक है ना? देवराज का फोन था, माँ पड़ी। अरे आओ आओ सुपना सौदागर, लेट हो गए, पूरी पार्टी खत्म हो गई है। टाइगर एक्सपोर्ट, अब पैकेजिंग सॉलिड है। मैजिक सूप खाया क्या आदमी? रॉकेट ले भाई, आजा आजा। मैम ये तुम लोग प्रोग्राम चालू रखो। हाँ चोरी कर लेता, बैंक लूट लेता, भीख मांग लेता डोपा, दिस इज डिस्गस्टिंग। चटाई बेचते बेचते रातें रंगीन करने का सामान बेच रहे, फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? हटकेश मंदिर के ट्रस्टी हम, ट्रस्टी। मालूम है इसको, कल सुबह 9 बजे चोपड़ा के ऑफिस आ जाना। चोपड़ा? अबे चोपड़ा, अबे चोपड़ा डॉट 9 बजे, एड्रेस भेजता हूँ। डॉट 9 बजे? जैट केस। रियल अभय चोपड़ा सर, रघुवीर मेहता सर, आपके मैंने सारे वीडियोस हजारों बार देखे हैं सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। That's wonderful. गले लगा सकता हूँ सर? अरे थैंक यू सर। रिलैक्स, मैं बहुत सीखा आपसे। बैठो बैठो। वीडियो देख के सीखना वैसे ही है जैसे किताबें पढ़ के स्विमिंग सीखना जी। हमेशा डूबने का डेंजर बना रहता है। क्या मल्टी? ऐसे मैं घर से पी के वंडरफुल। रोज मुझे कम से कम 100-200 प्रपोजल आते हैं बिजनेस के लिए। यंग ब्राइट किड्स, बिजनेसमैन, सब मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, सब मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बट आई डोंट वांट टू वर्क विद देम। बिग नो। पूछो मैं किसके साथ काम करना चाहता हूं? किसके? रॉकेट के साथ। रॉकेट? Yes. क्योंकि रॉकेट के पीछे आग होती है। रघुवीर मेहता तुम्हारे पीछे आग है। पुट योर हैंड ऑन योर बिहाइंड एंड फील द हीट। यस यू कैन डू इट। अभी? ऑफ कोर्स, कम ऑन। या शर्माइए नहीं। यस यस, थोड़ा गर्म है सर। यस सॉरी सर। एंड रिसेंटली आई हैव हर्ड दैट चाइनीज आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन यू। चाइनीज बहुत स्मार्ट होते हैं, वेरी स्मार्ट, लेकिन वेरी ट्रिकी पीपल। इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल देम। तुम अकेले नहीं हैंडल कर सकते। एनीवेज एक बात बताओ, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक गेम है, खेल है, फुटबॉल का खेल। आप सेंटर मिडफील्ड हैं, आप बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, ऑपोजिशन के पास जाते हैं, वहां पे स्ट्राइकर को देते हैं, स्ट्राइकर गोल मारता है, क्योंकि गोल हमेशा स्ट्राइकर करता है, मेसी करता है। यू नीड मेसी इन योर लाइफ। मैं तुम्हारा मेसी हूं। यस ट्रस्ट मी। इमेजिन तुम मेरे वीडियोज देख के वहां से यहां तक पहुंच गए, मेरे साथ काम करोगे तो कहां पहुंचोगे? Sky is the limit. Trust me. ये सूप हम पूरी दुनिया में पहुंचा देंगे। बड़ा सोचो, बड़ा। ए,
स्कूल हाँ आओ आओ जाओ अच्छा बना है थैंक यू सर कंग्रेचुलेशंस मुझे मालूम था तुम सही डिसीजन लोगे वेलकम नहीं नहीं सर आप मेरा गेम समझ नहीं पाए सर हाँ मेरा गेम ही अलग है मेरे गेम में ना आपको सिर्फ बार बैठ के कमेंट्री करनी है आप खेल नहीं सकते वो मैं संभाल लूंगा और आपने सिखाया सर सपने जो होते हैं ना उन्हें सिर्फ पूरी मत समझो वो सस्ते नहीं होते और मेरा जो सपना है ना सर वो सिर्फ पूरी जैसा सस्ता नहीं है बाकी फुटबॉल तो मैं खेलता ही नहीं सर कभी क्रिकेट का मन हो तो आना गली में छक्के मारता हूं मैं एंजॉय सर होल्ड इट रखो ओ देवराज के भाई बर्बाद कर दूंगा अभय चोपड़ा नाम है मेरा ये कैमोमल्टी ये मत दिया करो मुझे कभी भी कितनी बार बोला चाय देने के लिए यस मैम यू आर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन सोते हो ट्रस्ट मी आई एम हैंडलिंग दिस पर्सन हेलो मैडम Mr. Mehta, I don't know how to say it. What happened? What is this, Mr. Mehta? ये आपके बेटे के बैग में से मिली है हमें पिछले दो दिन से अपने क्लासमेट्स को रिसेस में खिला रहा है चिंटू पापा सीरो दानी मासी की वजह से लाया था सीरो समझ के लाया मैडम उसको पता नहीं था मिस्टर मेहता वी ऑल नो व्हाट दिस इज नहीं नहीं सही बात है मैडम वो उसको वो कंफ्यूजन हो गया वो आई एम अफ्रेड आई कांट हेल्प यू वी हैव जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज टुवर्ड्स दिस स्टूपिड पैथेटिक एक्ट्स इन आवर स्कूल नहीं नहीं एकदम सही बात मैम वो सॉरी बोल देगा चिंटू सॉरी बोल आई एम अफ्रेड योर अपोलॉजीज वोंट वर्क मैं सॉरी बोलता हूं उसकी तरफ से मैडम मैं सॉरी बोल देता हूँ। I say sorry, Mr. Raghuveer. I think it's better all around that you look for another school for your child. No, another school, madam. This school is very good. मैं सॉरी बोल मैं सबको सॉरी बोलता हूँ सॉरी मैं रुक्मणी मैडम सॉरी वो बच्चा गलती होगी I can't help you. पहली बार किया है। रुक। हाँ मोटा पापा हेलो सुन ये रघु ने जो धंधा शुरू किया है उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम पड़ा है हैं ये ऐसा धंधा शुरू करने से पहले ये तो डफोर संत ने सोचना चाहिए था कि वो मेहता फैमिली का हम दोनों के बीच की बात है मोटा पापा हम अपने अंदर ही संभाल लेंगे सरस देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम है बोल देना रघु को आज के बाद कभी भी मेहता फैमिली का नाम कभी भी यूज ना करें जय आठ केस क्या है ये हाँ सीरियसली रघु रुक्मणी मैम बताने वाले क्या बताने वाले थे मेरी बात तो सुन तुम्हारी फ्रेंड से इसे खरीदे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ तुम इसे यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी दुनिया खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं बेचूं तो प्रॉब्लम है ये कैसी बात है रुक्मणी
तुम्हें पता है बाहर ऐसे कितने आदमी हैं जो अपनी कमजोरी के बारे में बात भी नहीं करते हैं। अगर मेरी दवाई से उन्हें हेल्प करी हो तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे कितने बिजनेसेस फेल हुए? हमारी इनकम इतनी कम थी। मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे? बस इतना चाहती थी कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, हमारे रिलेटिव्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। पर आज के बाद मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। मुझे ऐसे मत बोल, मुझसे गलती होगी। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं सॉरी, मुझसे गलती होगी। झूठ क्यों बोला मुझसे? झूठ क्यों बोला? मैंने सॉरी, मुझसे कितने और झूठ बोले हो? मैंने झूठ नहीं बोला। मेरी बात तो सुन। लोगों ने मेरा कितना भरोसा किया, मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया काका। हाँ ना बोल। अरे अरे, तू किसका भरोसा नहीं तोड़ सकता है, समझा क्या? काके, ये सब बिजनेस, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ये सब बंद कर दो काका, ये सब गलत है। ये सब नहीं। अरे तू ठंडो था, ठंडा हो जा बेटा। ये सब गलत है। हम वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है। वर्कआउट करेंगे। कुछ वर्कआउट नहीं करना काका, ये सब गलत है। ये सब बंद करो, सब गलत है। गलत हो गया ये सब। गलत है, हाँ? ये मेरी तरफ देख। तू मेरे पास आया था ना पहली बार, तो मैं तेरे को भगा दिया था। वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया, फिर भगाया, फिर वापस आया। और मैंने बोला कि ये लड़के में कुछ दम है, ये कुछ करके दिखाएगा। इस बॉय हैज गॉट फायर। हरी गयो। तू एक काम कर जा, और तेरा नेपाली चटाई बेच। दैट इज व्हाट यू आर गुड फॉर। का आपके लिए ना ये सब कहना बहुत आसान है। आपको तो बकरी के साथ रहना है ना? मुझे बीवी के साथ रहना है। हेलो सुन, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि तेरा सूप पीकर ये चाइनीज जनरल जैंग मरा है। सूप से? रिमेम्बर, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। तो मुश्किल को मौका बना और मार दे चौका। गुड नाइट तन्मय भाई। आपकी कहानी कोई मानने वाला है नहीं। कन्फ्यूजन आप करने रहे, जो होगा दोस्तों
सभा बर्खास्त करने का ऑर्डर आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 32 एजेंसीज हैं, कल सुबह एक इंक्वायरी कमीशन बैठेगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। आयकर विभाग से लेकर जीव जंतु संवर्धन सभी लोग होंगे उसमें। एक बार सोच लीजिए, सूप में क्या मिलाते थे सच सच बता दीजिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। शर्मा, खड़ा करने के चक्कर में तो भजड़ी फैल गई। टेंडर करके बाहर की प्रदेश के नदी किनारे धीरे धीरे अवैध की आड़ में अवैध रेत का कारोबार पर Morning, everybody. Please be seated. Thank you, ladies and gentlemen, for being here at such a short notice. आज हमारे बीच काफी services के representatives मौजूद हैं. I will be heading this commission and will determine the nature of the charge sheet that has to be filed against Mr. Raghuveer Mehta and Dr. Vardhi. So, shall we please proceed? Sure, sir. According to CBI and local police, जनरल जैंग की मौत में इन लोगों का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, बिकॉज वी कुडंट एस्टैब्लिश एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम वी स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि इनके मैजिक सूप का जनरल जैंग की मौत के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। ओके, आपके मैजिकल सूप जैसे चमत्कारी दवाई बनाने का क्लेम करना और उसे बेचना इलीगल है, वो यू अवेयर अबाउट दिस? यस, पर हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हम तो डॉक्टर काका को बेचने मतलब मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर रघुवीर, आप अपने सूप में टाइगर के बॉडी पार्ट्स मिलाते थे? थासो समा वन था नी वन थासो समा था माई लिंगुन थांग सूप वन था। बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन टाइगर के सबूतों का क्या हुआ? आपके प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोटीन पाया गया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू अस? एनिमल प्रोटीन तो दूध में भी तो होता है, तो फिर आपके प्रोडक्ट में आप क्या मिलाते थे? व्हाट अबाउट दिस होल टाइगर कनेक्शन? हाउ डज दिस होल थिंग वर्क एज एन एफ्रोडीजियाक मिस्टर मेहता? तो आपको मेरे सूप की रेसिपी जानने में इंटरेस्ट है? प्लीज जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं। बीस ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम शक्कर, 50-50 ग्राम काजू पिस्ता और अखरोट पर एकदम पिसा हुआ, और 200 ग्राम मिल्क पाउडर। और क्या? इसे जब गर्म पानी में मिला के पेशेंट को पिलाते हैं तो पता है क्या बनता है? रबड़ी। Kidding us, Mr. Mehta? हाँ, इसी को तो गर्म पानी में घोल के हम पेशेंट को पिलाते हैं, रबड़ी। पुहाओ, चलो पुहाओ दी। न्यूनाय थांग, समझ न्यूनाय थांग। थापेन वोमन। थापेन वोमन। अरे नहीं नहीं, चाइना सर, रबड़ी, स्वीट। समझ न्यूनाय। डेज़र्ट, समझ दी। हसना। वांग पतंग। So are you telling us that सिर्फ रबड़ी से इन सारे लोगों का क्योर हो गया? क्या प्लेसिबो, आभासी दवाई। तो 70% जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल होती है। तो पेशेंट को लगता है कि वो दवाई खा रहा है और उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छे से सेक्स को एंजॉय करता है। सिंपल से। मिस्टर मेहता, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अरे मैंने कौन सा गाली दी? अच्छा तो मैडम, आपको ना मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना ये वर्ड से प्रॉब्लम है। सेक्स सिंपल वर्ड छे, SEX, सेक्स नॉर्मल छे। पर डॉक्टर वर्दी को फेमस करने के लिए आपने जो तरीका अपनाया है वो गलत है, और डॉक्टर वर्दी ने पब्लिक फोरम पे अश्लील भाषण दिए वो इलीगल है, और आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही आपको युगांडा से बाहर निकाला गया था। एक्सक्यूज मी सर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? टॉन्सिल्स।
आई एम वेरी सॉरी सर कि इतने रिस्पेक्टेड कमिटी के सामने आपको मैंने ऐसे अश्लील बात करवाई। टॉन्सिल्स में अश्लील क्या है? अच्छा, टॉन्सिल के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। फ्रैक्चर हो गया हाथ को, वो बात करना अश्लील नहीं है। अपेंडिक्स, डायबिटीज के बारे में बात करना अश्लील नहीं है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियों के बारे में बात करना अश्लील क्यों है भाई? वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं है। क्या बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं प्राइवेटली कॉन्ट्राबैंड? अश्लील, हम ऐसे देश में रहते जहां किसी ने कहा है कि हमारा नेशनल पक्षी है ना मोर, जब वो मोर रोता है ना तो मोरनी उसके आंसू पी के प्रेग्नेंट हो जाती है। ये हमारा सोच है। ऐसे लोगों को अपनी सेक्स लाइफ तो छोड़ो, मोर की सेक्स लाइफ से भी प्रॉब्लम है। इनफ डॉक्टर वर्दी, वी रिस्पेक्ट योर इंटेंशंस बट दिस केस इज नॉट अबाउट दैट। सो कैन वी गो बैक टू द पॉइंट? आप समझाओ नहीं, पूछो कुछ, सब तक बात जाएगी। पूछो पूछो ना कुछ। तो मुझे यह सवाल पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 130 करोड़ बने कैसे? कोई बता सकता है? क्या आसमान से टपके थे आप लोग? थैंक यू। क्या बगुला आप जब बच्चे थे कपड़े में लपेट के आपके आंगन में छोड़ के गया था? कि पेड़ पे ऊंगे थे क्या? सफरचंद की तरह ऐसा खींच के पेट पे से लाए थे क्या? हम सब इसी की देन है। हम सब करते हैं, जो नहीं करते ना, कम एंड टेक माय हेल्प, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस। बात करे थे, हम सब करते, हमारे मां बाप भी करते, हमारे बाप दादा भी करते, उसके पहले करते, इसके लिए तो हम 130 करोड़ बन गए। बट वी आर टॉट कि नहीं, घुटन आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, शर्मिंदगी, दे मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट। और फिर क्या होता है? विकृति। और उसकी वजह से मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, क्या क्या होता है, सेक्सुअल क्रिमिनलिटी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती है, बात नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स गो टॉक टू सम प्रोफेशनल अबाउट इट। नो, फिर उसकी वजह से होता है डोमेस्टिक वायलेंस अफेयर्स एंड कैन एंड अप इन डिवोर्स। मैंने देखा है डिवोर्स। क्या आपके टॉन्सिल की वजह से कभी कोई डिवोर्स हुआ है क्या? बात करे दो। मैं ये बात युगांडा में सीखा था। फिर नई गवर्नमेंट आके बोले क्या कर रहे हैं, भागो इधर से। मैं भाग गया कायर की तरह, मैं भाग के अहमदाबाद में आके ये मैं स्मॉल स्केल में सब लोग को एडवाइस देता था। फिर एक दिन एक पेशेंट आया मेरे पास, मेरा दोस्त बन गया वो। बोला काका पैसा भी कमाएंगे, मैं बिजनेसमैन भी बनूंगा, मैन बनूंगा, और आपके अवेयरनेस सेंटर्स खोलेंगे हम, और अवेयरनेस हम फैलाएंगे। दिस वॉज द आइडिया। उसने मुझे हिम्मत दी। आई फील वेरी प्राउड दैट दिस यंग मैन टर्न मी फ्रॉम अ कावर्ड टू अ फियरलेस मैन। मैं एक बात आपको क्लियरली बोलता हूं, आज मैं युगांडा में नहीं हूं, आई मीन इंडिया, दिस इज माई कंट्री। आप जो कहे मैं चुप नहीं रहूंगा। आप गोली मारो, मुझे लटकाओ फांसी से, मुझे मून पे भेजो, मून पे भेज के मैं व्हाट्सएप मैसेजेस भेज के ये अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। दिस इज माय कंट्री एंड आई विल नॉट स्टॉप। वैसे आपके प्रोडक्ट के 60 रैंडम सैंपल्स हमने टेस्ट किए, एंड हियर इज द रिपोर्ट। नो एनिमल डीएनए, नो केमिकल्स, देयर इज नथिंग दैट्स ऑब्जेक्शनेबल। एंड द एनिमल प्रोटीन दैट वाज फाउंड वाज ड्यू टू लैक्टोस इन द मिल्क पाउडर। आई एडवाइस द एफटीसीए टू इमीडिएटली बैन द प्रोडक्ट, एंड सीबीआई एंड लोकल पुलिस कैन कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। And also find the reason behind the general's death.
काका अभी तो गुस्सा नहीं है साले पिछले 24 घंटे से तू हमें चमन बना रहा था। अरे सर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं तो आपको कब से बोल रहा था कि प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। अच्छा अब तो बता दे तेरे चाइनीज शिकारी ने भेजा क्या था। उसने तो चाइनीज टाइगर सूप ही भेजा था सर, पर वो जो हावली है ना वो सूप के नाम पे खुद ही चाइनीज स्टूडेंट बेच रहा था। इट इज ऑल हियर सर। तुम लोगों को डर नहीं लगता सर? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? क्या? इस बात के अंडकोश। रबड़ी खाएंगे सर? इस बात के कटोरी से। चलिए काका 24 घंटे ने आपको लोकल से ग्लोबल बना दिया है, अभी आपको आपके ब्रांड वाले दिखाऊंगा। सही बिजनेस वही है जहां आप प्रॉब्लम को नहीं सॉल्यूशन को बेचते हैं, और इसी वजह से वर्दी नाम का सॉल्यूशन अब घर घर तक पहुंचने वाला था। रुक्मिणी आपके हस्बैंड ने एक ऐसे इंडस्ट्री पर छाप छोड़ी है जिसकी कद्र हमारे समाज में बहुत कम है। कांग्रेचुलेशंस। Ladies and gentlemen, please allow me to welcome the CEO of Dr. Vardhi's Sexual Health and Wellness Clinic chain, Mr. Raghuveer Mehta. Customer कौन है? Sir, customer king है. Sir, customer भगवान होता है. सर बिजनेस होता है सर, कस्टमर इज एवरीथिंग। कस्टमर